जरीमठ का पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर एक घर में छापा मारकर महिलाओं का जुआ अड्डा पकड़ा। यहां केवल महिलाओं का ग्रुप ही जुआ खेल रहा था। पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि दो भागने में कामयाब हो गए। यह पहला वाकया नहीं है जब पुलिस ने महिला जुआरों की गैंग को पकड़ा हो। इसके पहले भी वर्ष 2015 में जरीपटका का पुलिस ने महिलाओं का जुआ अड्डा पकड़ा था। पकड़ी गई महिलाओं में दयानंद पाल, जरीपटका निवासी रेणु साधवानी, वीना रिहानी, सीमा सिद्धवानी और ज्योति हेमराजानी का समावेश है। फरार महिलाओं का नाम पता नहीं चल पाया है। मंगलवार की शाम किसी व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को फोन करके जानकारी दी कि जरीपटका के दयानंद पार्क के पास रहने वाली रेणु साधवानी के घर पर महिलाओं का जुआ चल रहा है। वहां कई महिलाएं जुआ खेल रही है। जरीपटका पुलिस को जानकारी दी गई। हजर गुप्त माहिती भेटली की दयानंद पार्क जवळ पार्लर गल्ली झोन मध्ये मोहन साधवानी उर्फ कालू शेठ यांच्या घरी काही महिला जुगार खेळत आहेत। अशा माहितीवरून आम्ही स्टाफ आणि महिला कर्मचारी यांना सोबत घेऊन तिथे गेलो असता तिथे आम्हाला काही महिला जुगार खेळताना आढळून आल्या। त्यामुळे आम्ही त्यांना महिला कर्मचाऱ्या थ्रू ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली आणि त्यांच्याकडून 52 तास पत्ते आणि 3660 रुपये नगदी असा मुद्देमाल जप्त केला आणि तिथे त्यांना सूचनापत्र सध्या सोडण्यात आले आहे। किती महिला होत्या? एकूण 4 महिला होत्या। यांना कलम 4 आणि 5 मुंबई जुगार कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे। माझे नाव पोलीस उपनिरीक्षक राहुल देवकर। कंट्रोल रूम की जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर पराग पोटी ने PSI राहुल दवेकर, हेड कांस्टेबल मुन्ना ठाकुर, आसिफ शेख, वैशाली चरपे, रजनी रायपुरी और राजेश साकरे को कार्यवाही के निर्देश दिए। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन साधवानी के घर पर किरायेदार भी रहते हैं, इसलिए यह पता नहीं था कि किस रूम में जुआ चल रहा है। तब तक जुआ खेल रही महिलाओं को पुलिस के आने की भनक लग गई। महिला पुलिस कर्मियों ने 4 को दबोच लिया लेकिन बाकी भाग निकली। पुलिस ने 3,660 रुपए नकद और ताश के पत्ते जब्त किए हैं। कैमरा पर्सन विदेंद्र खुबराकड़े के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।